हेलो व्राम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इफॉर्मेशन को देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे ठीक है तो लेट्स माउंट टू डिफरेंसेस पार्ट जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स हैं फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डेटा एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है डेटा के बारे में क्या बोला है डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है है ना फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो वो तो उसको अपन कहेंगे वो वे रॉ डेटा है बेसिकली तो वो बेसिकली रॉ डेटा किसके फॉर्म में फैक्ट्स एंड फिगर्स के फॉर्म में ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो इसलिए बोला ना यहाँ पे सेम टू सेम लेकिन यहाँ पे इफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला इन्फॉमेशन इज़ प्रोसेस डेटा यहाँ पे आप सबको पहले अलाइन करते हो पूरे फॉर्मेट के अंदर डालोगे तो बेसिकली जो इफॉर्मेशन होगी वह राइट वे राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो इससे बोला इन्फॉमेशन इज़ प्रोसेस डेटा जो इफॉर्मेशन रहती है वह प्रोसेस डेटा रहती है वह बेसिकली रॉ डेटा नहीं रहती है ओके देन यहाँ पे सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है डेटा इज नॉट अरेंज डेटा हमेशा जब भी जब भी अपन को रॉ डेटा मिलता है तो वो अरेंज अरेंज फॉर्म में नहीं रहता है ना तो इससे बोला डेटा इज नॉट अरेंज वह अरेंज फॉर्म में नहीं रहता लेकिन इंफॉर्मेशन अपन को अरेंज फॉर्म में अपन उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसलिए बोला इफॉर्मेशन इज अरेंज इंफॉर्मेशन हमेशा अरेंज होती है ओके तो अपनी तो थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है डेटा इज अनऑर्गेनाइज जो डेटा होती है ना जो डेटा होता है ना वह अनऑर्गेनाइज रहता है ठीक है ठीक है लेकिन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज रहती है इसलिए बोला यहां पर इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज ओके देन फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इफॉर्मेशन जो डेटा है ना डेटा तो फर्स्ट है है डेटा तो बेसिकली आपका रॉ डेटा है तो वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है बल्कि इफॉर्मेशन डेटा पर डिपेंड होती है, है ना लेकिन यहाँ पर इसलिए बोला यहाँ पर डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर यही बोला इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा इंफॉमेशन डायरेक्टली और इंडायरेक्टली डेटा पर डिपेंड होती है ठीक है देन फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है डेटा इज अ लो लेवल लैंग्वेज जो डेटा होती है ना वह एक लो लेवल लैंग्वेज आई मीन सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है डेटा इज लो लेवल नॉलेज जो डेटा होता है ना वह बेसिकली लो लेवल नॉलेज माना जाता है कंसिडर होता है लेकिन इफॉर्मेशन यहाँ पे क्या माना जाता है इफॉर्मेशन ज ए सेकंड लेवल ऑफ लैंग्वेज बेसिकली सेकेंड लेवल ऑफ लैंग्वेज माना जाता है कौन इन्फॉर्मेशन ओके देन सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है डेटा और रॉ डेटा इज नॉट इनफ टू मेक अ डिसीजन अगर आपको कोई भी डेटा मिलता है या फिर आपको कोई भी रॉ डेटा मिलता है तो वो इनफ नहीं है कि तो वो इनफ नहीं है कि मतलब वो डेटा से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन तो वो वो डेटा से वो डेटा से कोई भी आप डिसीजन मेकिंग कर सको ठीक है यहाँ पे डेटा और रॉ डेटा का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा किसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर लेकिन इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोला है द इफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू हेल्प टू मेक अ डिसीजन इन इन रेस्पेक्टिव कॉन्टेस्ट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है रॉ डेटा को सब अरेंज करने के बाद में सब ऑर्गेनाइज करने के बाद में जो भी इफॉर्मेशन अपन को मिलती है तो वो हेल्प करती है क्या चीज़ के अंदर वे डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है ठीक है तो बेसिकली सिंपल सा मतलब जो है जो इन्फॉमेशन है वह डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है लेकिन डेटा दे, लेकिन डेटा दे, लेकिन डेटा बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प नहीं करता है ओके देन सेवन डिफरेंस क्या बोलती है द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्डम विच मीन समथिंग दैट इज गिवन यहां पे जो 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 ये वर्ड है ना डेटा तो ये कहां से डिराइव हो रहा है ये बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव हो रहा है जो कि लैटिन वर्ड क्या है डाटम ठीक है तो उसका मतलब क्या है डाटम का समथिंग डैट इज गिवन ये एक ऐसी चीज जो कि दी जाती है तो उसको अपन कहते हैं डाटम तो बेसिकली यह चीज़ें डिराइव है लैटिन वर्ड से कौन डेटा लेकिन इफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला है दर्ड इफॉर्मेशन इज डिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो इंफॉर्मेशन uh, वर्ड है ना वेब

इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा यहां पे जब एक साथ सारा का सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो तो सारा का सारा जो डेटा कलेक्शन कलेक्ट होगा हो ना तो सारा डेटा से क्या बनता है इंफॉर्मेशन बनती है तो इसलिए बोला इंफॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ डेटा का, का कलेक्शन क्या कहलाया जाता कहला है इंफॉर्मेशन कहलाई जाती है ठीक है देन डिफरेंस क्या बोलती है अंडरस्टैंडिंग डेटा इज डिफिकल्ट पे बेसिक जो पीसेस पीसेस के अंदर आपको डेटा मिला है तो वो, आ, उसको अंडरस्टैंड करना बेसिक डिफिकल्ट रहता है तो इसलिए यहां पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो तो लेकिन इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बोला है अंडरस्टैंडिंग इफॉर्मेशन इज वेरी इजी पे सारा सारा डेटा आपको मिल जाता है तो सारा डेटा मिल जाता है तो उसी से आप इजीली बेसिकली uh, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो बेसिकली उसको आप समझ पाते हो और साथ में फाइनल रिजल्ट क्या होता है फाइनल रिजल्ट बेसिकली निकलता है कि मतलब आप uh, कोई भी उससे डिसीजन ले पाते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स uh, के अंदर ओके देन टेंथ डिफरेंस क्या बोलती है डेटा मे नॉट बी इन ऑर्डर यहाँ पे आपने देखा देखा था ना डेटा ऑर्गेनाइज रहते हैं डेटा ऑर्गेनाइज नहीं रहते वे अरेंज में नहीं रहते तो वो ऑर्डर के अंदर नहीं रहते कौन डेटा लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा ऑर्गेनाइज में रहती है अरेंज में अरेंज फॉर्म में रहती है तो इसलिए बोला इन्फॉर्मेशन शुड भी इन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑर्डर के फॉर्म में रहती है ठीक है बेसिकली अरेंज रहती है ऑर्गेनाइज रहती है जबकि तो लास्ट डिफ्रेंस क्या बोलती है इनपुट टू एनी सिस्टम मे बी ट्रीटेड एज डेटा कोई भी आप सिस्टम के अंदर इनपुट दोगे तो, तो तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो कि मतलब वो डेटा है वे बेसिकली रॉ डेटा है ठीक है लेकिन इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या बोला है आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग सिस्टम सिस्टम इज कॉल्ड एस इफॉर्मेशन जब भी आप इनपुट देते हो तो इनपुट के बाद में जो आपको आउटपुट मिलती है प, प, प्रोसेस होने के बाद में ठीक है या अरेंज होने के के बाद में ऑर्गेनाइज होने के बाद में तो उसको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन ठीक है तो यही थी अपनी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन